अस्सलाम वालेकुम गाइस, कुछ क्वेश्चंस मुझे आए थे रिगार्डिंग के बिगनर्स को ऑयल पेंटिंग के लिए कौन से मीडियम यूज़ करने चाहिए। तो ऐसा है, जो लोकल मार्केट में मीडियम्स अवेलेबल होते हैं स्टेशनरी शॉप्स पर, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। वो तो आप बिगनर हो या एडवांस हो, वो आप सिर्फ फाइनल लेयर में या कुछ टचेस देने के लिए आप वो मीडियम बेशक यूज़ करें। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप बिगनर हैं या एडवांस लेवल पर हैं और आपने एक बड़ी ऑयल पेंटिंग बनानी है, तो आप उसके लिए मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल जो आपको नॉर्मल पेंट की शॉप्स से मिल जाता है ना, वो आपको यूज़ करना चाहिए। हार्डवेयर शॉप से, जो पेंट वाली शॉप्स होती हैं वहाँ से। तो लाइक जैसे ये मिट्टी का तेल है, मैं तो यही यूज़ करती हूँ, ठीक है। बल्कि ये आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अब किस तरह, अब नॉर्मली मेरी ये पास ये बॉटल है, ये मिट्टी का तेल ही है। इसका कलर क्यों चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं यूज हुआ हुआ इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब वो सारा मैं ऐड करती रहती हूँ, वो 1 वीक तक रखा रहता है। उससे होता ये है कि जो मेरा पेंट होता है वो नीचे बैठ जाता है और मेरा जो ऊपर ऑयल होता है वो बिल्कुल क्लियर साफ हो जाता है। उसको मैं अलग से एक बॉटल में डाल देती हूँ। तो बॉटल में डालने के बाद बस वो मेरा दोबारा वैसे ही यूज़ हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट कि आप केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आपको एक्सपेंसिव मीडियम्स में जाना है तो फिर गैम्बलिंग का गैम्सॉन, दिस इज़ द बेस्ट वन। ये तो ये है कि आप ये, दिस इज़ द प्रो लेवल कि आप उसके अंदर आप ये मीडियम यूज़ करें। ये आपको यहाँ पर तो लोकली अवेलेबल नहीं होगा, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा। आप किसी भी कंट्री में अमेजोन से मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लोकल मार्केट में लिनसीड ऑयल मिल जाते हैं और कुछ मीडियम्स जो लोकली आपको स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाते हैं, दे आर गुड एज वेल। बट उनसे बेहतर फिर आप यही है कि आप केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल यूज़ करें। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो।